हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में पकड़े अवैध हथियार, 4 बदमाश गिरफ्तार, 5 पिस्तलें व 7 जिंदा कारतूस सहित चोरी की बाइक व एक कार भी बरामद। शहर की डांगियावास पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर 5 पिस्तलें, 7 जिंदा कारतूस, एक चोरी की बाइक व एक कार जब्त की है। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ पूर्व में हत्या प्रयास, मारपीट, सरकारी कामकाज सहित अन्य प्रकरणों में मामला दर्ज होने के साथ न्यायालय में विचाराधीन है। बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अवैध हथियारों की धरपकड़ की कड़ी में डांगियावास पुलिस ने 4 बदमाशों, भोपालगढ़ के गोदावास निवासी जगदीश जाट, तिलवासनी बिलाड़ा निवासी रमेश विशोई, डांगियावास के रामदेव जाट एवं जाजीवाल विशोईयान निवासी सुनील विशोई को गिरफ्तार किया। इनमें रमेश विशोई NDPC एक्ट प्रकरण में वांछित अपराधी है, जबकि सुनील विशोई के खिलाफ वर्ष 2017 में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ था। जगदीश जाट के खिलाफ बनाड़, पीपाण शहर एवं भोपालगढ़ में पहले से ही मारपीट के केस दर्ज हो रखे हैं। इनके पास से पुलिस ने अलग अलग 4 प्रकरण दर्ज करते हुए 5 पिस्तलें, 7 जिंदा कारतूस, चोरी की एक बाइक व कार जब्त की है। पुलिस की कार्रवाई टीम में थाना अधिकारी लीला राम, SI जालम सिंह, ASI देवा राम, हेड कांस्टेबल शेषा राम, ओम प्रकाश, परस राम, कांस्टेबल पूना राम, तेजा राम, शैताना राम, संपत लाल, संपत राम, रमेश कुमार एवं रामदेव सिंह शामिल थे। COVID-19 के दौर में लंबे समय से लॉकडाउन का जो दौर चल रहा था, उस दौरान आप लोगों ने देखा कि क्राइम में भी काफ़ी कमी रही थी। फायरिंग के इंसिडेंसेस या इलीगल आर्म्स के जो इंसिडेंसेस थे काफ़ी कम या शून्य के बराबर थे। बट उसके बाद जैसे ही थोड़े रिलैक्सेशन आए, मूवमेंट बढ़ा, तो हमारे पास ये सूचना आने लगी थी कि फिर से जो है हथियारों का खरीद फरोख्त जो है जोधपुर रेंज और कमिश्नरेट में वापस से चालू हुआ है। पूर्व में भी आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश इसका सोर्स रहा है। इस पर्टिकुलर केस में भी यह ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश से यहाँ के जो कुछ स्मगलर्स और कुरियर हैं वहाँ से कुछ हथियार लेकर आए थे। इनमें 4 लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं डांगियावास थाने के द्वारा, और 5 हथियार जो है अवैध देसी पिस्टल, 7 कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक कार इसमें सीज हुआ है। इसमें जगदीश नाम का जो व्यक्ति है वो स्मगलर की तरह उसकी पहचान हुई है, जो मुख्य काम करता है, और इसने रामदेव नाम का व्यक्ति जो कि डांगियावास का रहने वाला है इसको एज कैरियर यूज़ किया था। और 2 बायर्स हैं, रमेश खोखर और सुनील बिश्नोई, जो कि तिलवासनी बिलाड़ा और जाजीवाल विश्वैया थाना बनाकर रहने वाला। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।